इंस्टॉलेशन किस रोल की अभी हाँ कर दे बैठे कर दे वो एक दफा देखिए चीज़ों को फिर आप शेयर कर लेंगे जितनी आप मेहनत करती हैं उतनी आपको पीना ठीक है अच्छा इस पर डी एन एस ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है सेकंड सर्वर क्रिएट करूँगा क्योंकि एक लैब करनी है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी की ठीक है उसके अंदर सेकेंडरी में जब डी एन एस कंफिगर करूँगा तो उसके अंदर सॉल्यूशन उसकी पूरी बता देता हूँ सॉल्यूशन उसमें ऐसे है कोई चीज़ नहीं है ठीक है बता लेना बहुत जरूरी है ठीक है ठीक है फॉर्म गेंगे नहीं करवा लेकिन बाकी गेंगे सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीएनएस का बेसिकली पर्पज ये था कि हम वेबसाइट्स की होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली पर्पज का ये मगर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये सारे के सारे एज ए क्लाइंट यूज हो रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली क्या हम इसके लिए भी उसी उसको प्रॉपर होस्टिंग को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते जैसे अगर वेबसाइट होस्ट किए बगैर ये तो बेसिकली वहाँ पर तो होस्ट किया जा रहा था होस्ट फाइल थी वहाँ सारी कैट हो सकती है अब यहाँ पर होस्ट फाइल सारी सर्वर पास पड़ी हुई है सारी इसकी एंट्रीज पड़ी हुई है अंदर बुक पड़ा हुआ है।